फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुशियास चैनल। आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल्स का क्लास टेंथ का एग्जाम्पल 2। सो इसके अंदर बताया गया है कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रैपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। तो आपको ये इसके अंदर ये दिया गया है कि जो आपका ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, और आपको दिया गया है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी, और ये दोनों पॉइंट है ए डी और बी सी में, ये ई और एफ एक पॉइंट है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। और इसके लिए ये भी बताया कि ये है और ये दोनों भी पैरेलल है, और हमें प्रूफ करना है शो दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, मतलब जो ए ई और जो ई डी है दैट इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। अब हम पहले लिखते हैं, हमेशा याद रखना कि ज्योमेट्री में आपको सबसे पहले गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन है तो वो लिखना है। तो पहले मैं लिखने वाली हूँ गिवन, जो हमें दिया गया है इसके अंदर। गिवन है ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ए बी सी डी से ट्रेपेजियम, और इसके अंदर ये भी बताया गया है कि ए बी जो है दैट इज पैरेलल टू डी सी एंड ए इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। अब हम इधर छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो ये कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम ये जो ए और सी को हम जॉइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन क्या देखते हैं, जॉइन ए टू सी, और हम लिखेंगे टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, ए अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और हम प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ में क्या इसका प्रूफ है, तो इसके अंदर आपको पहले से बताया गया है कि ये जो ई एफ और ए बी जो है दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। एक काम करती हूँ, मैं आपको बना के दे देती हूँ आपका ट्रैपेजियम, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ए डी सी है और ये ई एफ है, ठीक है, हमने इधर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और अभी हमें ये बताया गया है कि जो ई एफ है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, और ये भी बताया गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। पहले हम लिख देते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। अगर ये तीनों, मतलब ए बी पैरेलल है डी सी के और ई एफ पैरेलल है ए बी के, इसका मतलब क्या होगा, ये ए बी भी पैरेलल होगा ई एफ के, देख सकते हो ये दोनों भी फिर पैरेलल होगा। सो वी कैन राइट हियर एज दिस डी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, हम ये ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ इन ट्रायंगल, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर देखते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी आप देख सकते हो कि जो ई जी है, जो आपका तो आपका ये होगा जी, माफ करना मैं लिखना भूल गई थी इधर, तो आपका इधर जो ई जी है ये भी आपका इक्वल रहेगा आपके डी सी से, क्योंकि ये पूरा इक्वल है इससे, तो इतना और ये भी तो इक्वल ही रहेगा ना, तो हाफ जो है वो भी इक्वल रहता है। सो ई जी विल बी पैरेलल टू डी सी, सो ये हमने प्रूफ किया था ऑलरेडी प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, ये अगर ये दोनों हमारे पैरेलल है, तो हमने बीपीटी चीज में क्या पढ़ा था कि अगर ये एक दो पैरेलल है तो आपके जो साइड्स है वो भी इक्वल रहेंगे, मतलब ए ई और ई डी विल बी इक्वल टू ए जी एंड जी सी। सो हम सो ए ई विल ए ई बाय ई डी विल बी इक्वल टू ए जी बाय जी सी, दिस इज़ बाय द बी पी टी थियरम, ठीक है। बी पी टी थियरम बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, हमेशा आता है 10th के बोर्ड्स में। जो नेक्स्ट है,
नेक्स्ट आपने ये निकाल दिया, ठीक है, ये। और अब हम इन ट्रायंगल ए बी सी देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में आप देख सकते हैं कि आपकी जो सी सी एफ है, सी एफ जो है, सी एफ सी एफ बाई बी एफ विल बी इक्वल टू सी जी बाई ए जी, ठीक है। सो सी एफ बाई एफ बी इज इक्वल टू जी सी बाई ए जी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो बाई बी पी टी थ्योरम, ये भी आपके कैसे हो रहा है, बी पी टी थ्योरम के कारण हो रहा है। अब जो नेक्स्ट है कि अभी जो आपने ये जो किया है इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट में किया था वैसे ही हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब एफ बी जो है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये जो पहला है उसको हम रेसिप्रोकल करके, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब आप देख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिख ही रहे होंगे। हाँ, ये दोनों आपका रिपीट हुआ है, ये दोनों एक साथ रिपीट हुआ है, मतलब ये दोनों भी सेम है ना। सो ए ए अपॉन ई डी विल बी इक्वल टू एफ पी अपॉन सी एफ, तो ये दोनों भी इक्वल है। अब आप देखिए, आपको प्रूफ टू प्रूफ में भी आपको यही लाना था, तो हमारा आंसर हमें मिल गया। So we can write it therefore, hence proved. इतना ही आपका क्वेश्चन का आंसर। इफ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ डाउट है तो कमेंट में भी डालना। थैंक यू।